सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनीष, हिंदी स्टोरीज। इस चैनल पर मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में ओम सिंह राठौड़ उर्फ ओम बनाजी का जीवन परिचय और उनके बुलेट द्वारा किए गए उन चमत्कारों की बात इस वीडियो में करेंगे जो 1988 से लेकर अब तक जारी है। आखिर कैसे अपने आप एक बुलेट जो थाने से चलकर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँच गई, वो भी बिना सवार एक आदमी के। 36 साल पहले घटी इस विचित्र घटना ने पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे एक दिव्य आत्मा जो मरने के बाद भी अमर हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं ओम बना के जन्म से लेकर अब तक के इस सफर को। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन यह हमारे चैनल को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान वीरू की भूमि, ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ झुंझार के देवालय न हो, ऐसी कोई जगह नहीं जो राजपूतों के रक्त से सिंचित ना हो। यहाँ की मिट्टी में हजारों नहीं लाखों कहानियां दबी पड़ी है। राजस्थान के पाली जिले का एक गांव चोटीला, यहाँ ठाकुर जोग सिंह जी के घर 5 मई को ओम बनाजी का जन्म हुआ और 2 दिसंबर 1988 को वाहन दुर्घटना में देवलोक गमन हो गए। इसके बाद ओम बना की बुलेट को पुलिस प्रशासन अपने साथ नजदीकी रोहिटी थाने ले आई। चमत्कार कहो या अजूबा, वो बुलेट थाने से रात को उसी स्थान पर पहुँच गयी जहाँ दुर्घटना हुई थी। इसी घटना की 4 बार पुनरावर्ती हुई। ठाकुर साहब वे गांव वालों के निवेदन पर ओम बना की अंतिम इच्छा समझकर पुलिस प्रशासन ने बुलेट को उसी स्थान पर रख दिया। धीरे धीरे ये चर्चा सुनकर आसपास के गांव व शहरों के लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। रोहर हाईवे पर कई दुर्घटनाएं घटित होती थी, पर बाद में ओम बना उस हाईवे पर दुर्घटनाओं को बचाते दिखाई देते। लोगों में आस्था बढ़ती गई और अपनी मन्नतें मांगने लगे। पाली शहर से 17 किलोमीटर दूर जोधपुर अहमदाबाद राजमार्ग पाली जिले के बड़ाई गाँव के पास ओम बना की मोटरसाइकिल को उन्हीं के साथ में पूजा जाता है। ये बात भले ही आपको आश्चर्यजनक लगे, मगर यह सच है। मोटरसाइकिल की पूजा के पीछे कुछ चमत्कारिक कारण भी हैं, जिसके कई लोग और पुलिसकर्मी भी गवाह है। बात आज से 36 साल पहले दिनांक 2 दिसंबर 1988 की है। राजमार्ग पर बसे पाली जिले से जाते समय बड़ाई गांव के पास ओम बनाजी की सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। जानकार बताते हैं कि घोर अंधेरी रात्रि के समय ओम बना अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर गाँव लौट रहे थे। चोटीला के पास जब वे पहुंचे तो अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश हुआ। यह देखकर उनकी आंखें चौंधिया सी गई। ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ नहीं समझ आया और उनकी बुलेट एक पेड़ से जा भिड़ी और ओम बना का देहांत हो गया। 1988 में हादसे की खबर पाकर पुलिस वहां पहुंची और शव का पंचनामा कर आवश्यक खाना पूर्ति के बाद उसे उनके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस बुलेट मोटरसाइकिल को लेकर थाने आ गई। इसी के साथ ही शुरू हो गया चमत्कारों का सिलसिला। अगली सुबह मोटरसाइकिल फिर हादसे वाली जगह पर पाई गई। पुलिस ने दोबारा मोटरसाइकिल को घटना स्थल से उठाकर थाने के एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से मजबूत एक ताला लगवा दिया। चाबी थाना अधिकारी ने अपने पास रख ली, परंतु दूसरे दिन जब मोटरसाइकिल वाला कमरा देखा गया तो ताला व मोटरसाइकिल हादसे वाली जगह पर खड़ी पाई गई। थाने में 4 बार मोटरसाइकिल को जंजीर से बांध कर भी रखा गया, लेकिन हर बार वह दुर्घटना स्थल पर ही मिलती। कुछ ग्रामीणों के अनुसार मोटरसाइकिल को बिना चालक हाईवे की ओर दौड़ते हुए भी देखा गया। पिता जोग सिंह और कुछ ग्रामीणों की भावना की कदर करते हुए पुलिस ने मोटरसाइकिल को हादसे वाली जगह पर रखने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों के पश्चात ओम बना ने अपनी दादी सा श्रीमती समंदर कंवर को सपने में दर्शन दिए और कहा कि जहां पर मेरी दुर्घटना हुई है वहां पर मुझे स्थान दिया जाए, इसके लिए मेरा चबूतरा नुमा स्थान भी बनाया जाए, तभी मुझे शांति मिलेगी। उसके बाद वहां पर एक चबूतरा बनवाया गया और ओम बना जी की इच्छा अनुसार मोटरसाइकिल को भी उनके स्थान के पास रखवा दिया। कहते हैं कि जिस तारीख व समय पर ओम बना जी का दुर्घटना के शिकार हुए थे, उस दिन खड़ी मोटरसाइकिल का इंजन कुछ देर के लिए चालू हो जाता है। धार्मिक भावना का यह आलम है कि हर साल हादसे वाली रात को इस स्थान पर भजन कीर्तन के दौरान ओम बना भी वहां अदृश्य होते हुए भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। यह क्षेत्र पहले राजस्थान के दुर्घटना संभावित क्षेत्र पर था, पर ओम बना के मंदिर के बाद यहां दुर्घटना ने के बराबर हुई है। एक नहीं सैकड़ों चालकों का दावा है कि ओम बना ने उनको बहुत से दुर्घटनाओं से बचाया है। कहा यह भी जाता है कि उस दिन बुलेट मोटरसाइकिल बिना सवारी के थाने के चारों ओर चक्कर काटकर अपनी श्रद्धा ओम बना को अर्पित करती है। ओम बना आज भी अपने अनुयायियों के दिलों पर इस कदर जगह बनाए हुए हैं कि मानो अब भी उनके साथ रहते हो। ओम बना के
देहांत के बाद जो जो उनके चमत्कार सामने आने लगे तो दुर्घटना स्थल पर ही उनका स्थान देवालय का दर्जा हो गया, आज तक जारी है। वर्तमान में यह स्थान काफी विकसित हो गया, यहाँ के दो दो धर्मशालाएं बनी हुई है, वे छोटी छोटी घुमटियों में जोत जलती रहती हैं और पूजा अर्चना के लिए पुजारी की भी नियुक्ति की गई। मारवाड़ क्षेत्र ही नहीं ओम बना के भक्त अन्य कई स्थानों से यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं। खास तौर से जोधपुर मार्ग पर यहाँ से गुजरने वालों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो यहाँ रुक कर ओम बना के दर्शन किए बिना चला जाए। कई लोगों की ओम बना के प्रति ऐसी श्रद्धा व आस्था है, यहाँ रोजाना ही भीड़ लगी रहती है, लेकिन हर वर्ष उनके दिवस पर बहुत बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। बचपन में ही भविष्यवाणी हो गई थी उनके चमत्कारिक होने की। ओम बना राठौड़ वंश से जुड़े राजपूत हैं, उनका जन्म चांदनी रात में हुआ था और ओम बना जी की जन्म कुंडली बनवाने ज्योतिष आए तो उन्होंने ओम बना की टूटी हुई ललाट देखकर भविष्यवाणी की कि यह बालक एक चमत्कारिक है, ये बड़ा होकर दसों दिशाओं में राठौड़ वंश का नाम उज्जवल करेगा। ठाकुर जोग सिंह व माँ स्वरूप कंवर के पुत्र ओम बना को मोटर गाड़ी चलाने का काफी शौक था। बचपन में जब भी वे गाँव में स्कूटर या मोटरसाइकिल देखते तो वे अपने माता पिता या दादी की गोद में बैठकर छोटे छोटे हाथों से मोटरसाइकिल की आकृति बनाते, से गाड़ी की आवाज निकालकर सड़क पर तेजी से दौड़ने लग जाते। शायद यही कारण है कि मोटरसाइकिल में उनका नाता आज भी जुड़ा हुआ है। ओम बना मंदिर के चमत्कार। प्रवासी सिद्धांत और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट ओम बना के समीप जोधपुर मार्ग पर होता है। सिद्धांत सीरियस होता है, हालात खतरे में होती है। उनकी पत्नी ने बहुत मदद मांगी पर एक भी गाड़ी नहीं रुकी और जैसा कि उनकी पत्नी ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि तभी एक बुलेट सवार वहां आता है और उन्हें जोधपुर ले जाता है और अपना नाम ओम सिंह बता के चला जाता है। वापसी में जब वे लौट रहे थे तभी वो ओम बना के दर्शन को रुके, वहां लगी तस्वीर और बुलेट को देख वो संकट में आ गए। तस्वीर होती है और उस बुलेट सवार की जिन्होंने उन्हें बचाया था। दूसरा चमत्कार, जोधपुर के राजकुमार शिवराज सिंह की पोलो खेलते वक्त घोड़े पर गिरने से चोट लगी थी, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, तभी महारानी हिमलता राजे ने यहाँ से मन्नत मांगी। अगले ही क्षण अमेरिका से खबर आती है कि अब हालात खतरे से बाहर है। मन्नत पूरी होने पर जोधपुर महारानी हिमलता राजे यहाँ दर्शन को आई थी।